नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये अभी आरओ का जो एग्जाम आने वाला है समीक्षा अधिकारी का 8 अप्रैल को। पहली बात तो ये है कि र्यूमर में बिल्कुल मत पड़िएगा, बिल्कुल भी पेपर होगा ही होगा। अब कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आएंगी। देखिए, आरओ के लिए क्या करना है आपको, पहली बात तो सबसे पहले आपको जो मेन आपका सेक्शन है, देखिए जीएस में 140 नंबर का होगा और 60 नंबर की आएगी हिंदी। आप देखिए सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। इसमें जीएस में अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर करीबन आता है 20 से लेकर 30 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, 20 से लेकर 30 क्वेश्चन आएंगे करीबन करंट अफेयर्स के लिए। सिर्फ मेरा अभी क्या करिए कि पीडी वाला जो मैंने एक वीडियो अभी 5 पार्ट बनाए थे उसको एक कंपाइल करके एक वीडियो वो बना दिया है, प्रतियोगिता दर्पण वाला एक मैं करूंगा 22 तारीख को अपलोड रात में 9:40 पे, वो जरूर देख लीजिएगा। ये दो हो गए करंट अफेयर, टोटल करंट अफेयर के लिए, और यूपी के करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको 24 तारीख तक दे दूंगा एक यूपी करंट अफेयर का पिछले एक साल का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं अभी पहले फ्री वाली चीजें बता दे रहा हूँ, हर चीज में पीडीएफ मैं नहीं दूंगा किसी में भी पीडीएफ। हालांकि मैंने पीडी जो समरी है प्रतियोगिता दर्पण वाली अजय जेन्द्र राठौर की, वो मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दी, वो आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि टेलीग्राम में मैं मटेरियल नहीं शेयर करता हूँ, ये देखो क्या क्या भाई साहब मैंने शेयर किया हुआ है, आप तो खुद देखिए। ये देखिए, ये है यहाँ पे, ये पीडी समरी दिख रही है ये देखिए। अब आप लोग फिर बोलते हैं कि नहीं है, देखिए ये है ये पीडी समरी, तो ये हो गई बात, ठीक है। अब दूसरी बात क्या करनी है आपको, दूसरी बात आपको ये करनी, लास्ट टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके करिए। करंट अफेयर वाला आप मेरे सारे छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं करवा दूंगा आपको टोटल करंट अफेयर प्लस यूपी। कोई मैगजीन वैगजीन कुछ, कोई बुक कोई कुछ नहीं खरीदने की जरूरत है, सब अगर आपने वो वीडियो देख लिया। मैं आपको ये बात के लिए मैं मतलब श्योर तो नहीं कर सकता हूं, ऐसे कोई गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं होती, लेकिन 90% से ज्यादा अगर आपका करंट अफेयर ना है तो आप बताइएगा मुझे फिर, ठीक है। रिवीजन करना है सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी जो टेलीग्राम ग्रुप बताया उसको डेली देखिएगा, आज से लेके मतलब करीबन मैं 25 तारीख से एक आरओ की रिवीजन क्लासेस चालू करूंगा यूट्यूब के लिए, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो दूंगा उसका, और पीडीएफ तो मैं पेड़ वाले ग्रुप में ही दूंगा, लेकिन वीडियो आपको फ्री मिलेगा। तो आपको डेली 9:40 पे आप आ जाइएगा 25 तारीख से लेके जब तक आरओ नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ जरूर करेंगे 9:40 तक पे, ठीक है। डेली रात में 25 तारीख से लेके आपका जब तक ये नहीं होगा तब तक कर लेंगे, ठीक है, आरओ वाला एग्जाम। अब दूसरी बात, ये दो चीजें ये हो गई, करंट अफेयर वाला मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, आप एक काम कर सकते हैं कि जितनी भी मेरी पीडीएफ होती है, मैं दिसंबर 2018 तक के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको जितनी भी मेरी वीडियो की पीडीएफ है प्लस पुरानी वाली जो पीडीएफ है वो सब कुछ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप में। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ है 7838692618, इस पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। या तो ये कर सकते हैं या फिर आप वीडियो फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम में, मैं जो भी वीडियो देता जाऊंगा, मैं कई सारे वीडियो अभी अपलोड करूंगा आपको टेलीग्राम में, मैं अपलोड करता जाऊंगा, आप उसको देखते जाइएगा, ठीक है। लास्ट टाइम में दूसरी बात ये कि हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री के लिए जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वाले जो फैक्ट है आपके स्पेक्ट्रम के हर चैप्टर के एंड में जो समृद्धि होती है, और प्लस लास्ट के चैप्टर में अगर आप देखेंगे 20-25 पन्ने हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के नाम लिखे हैं, ट्राइबल मूवमेंट के नाम लिखे हैं, पेजेंट मूवमेंट के नाम लिखे हैं, वो सब एक बार देखिए लास्ट में, कांग्रेस के सेशन के नाम लिखे हैं। वैसे मैं इन सब पे वीडियो बना चुका हूँ और वो वीडियो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा जरूर, ठीक है। साइंस के लिए क्या करना है, देखिए आरओ के लिए वैसे तो मैं लूसेंट का भी प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो लूसेंट वाले जो साइंस के पोर्शन है थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। एनसीईआरटी जिसने पढ़ रखी होगी उसकी तो बल्ले बल्ले है ही, और प्लस साइंस के मैंने काफी सारे वीडियो भी बना रखे हैं, और अभी और भी कई सारी पीडीएफ मैं वीडियो दूंगा आपको अभी जो रिवीजन वाली क्लासेस होंगी 25 तारीख से, ये आप याद रखिएगा 9:40 पे होंगी वो क्लासेस, ठीक है। उसमें हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सबकी टेस्ट भी करा करेंगे, और थोड़े बहुत मैं स्टैटिक जीके के फैक्ट लाया करूंगा, ठीक है। ये हो गई पॉलिटी में, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, जितना आपसे रिवीजन हो पाए कर लीजिए, वो बुक ऐसी कि उसको 2 दिन में पूरा रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे वाला जो मैंने वीडियो दिया हुआ है, प्लस जो बजट वाला वीडियो दिया हुआ है, प्लस जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए, वही 3 वीडियो देख लीजिएगा, वो मैं आपको। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बता रहा हूं मैं उनकी लिस्ट पूरी दिए दे रहा हूं, ठीक है। और प्लस में जो मुझे और याद आते जाएंगे वो मैं यहां पे आपको शेयर करता जाऊंगा। ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहां पे सब फ्री वाला मिलेगा जो भी चीजें, ठीक है। पीडीएफ ज्यादातर जो पीडीएफ है वो हमारी पेड ही है, तो उसके लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये है लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटेजी, और जो आपका ये जैसे और भी जैसे ये कल्चर वाली चीजें हैं हिस्ट्री में कवर हो जाएगी वो। ज्योग्राफी के लिए मैं बता ही चुका हूँ आपको, एनसीईआरटी पढ़िए, वही बेस्ट है। S6 से लेकर 12 तक आपको काफी पहले से मैं चिल्ला रहा हूँ, और लास्ट में बिल्कुल रिवीजन हो सकता है, एक एक दिन लेके बैठिए। और अगर मान लीजिए आपकी
कम से कम 6 से लेकर 10 तक वाली कर लीजिए, और जो 11th क्लास की एक बुक है जिसमें 11 चैप्टर है, जो 16 चैप्टर वाली वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आरओ में, उससे मतलब वो यूपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जो 12th वाली बुक है इंडियन इकोनॉमी वाली, ज्योग्राफी की बुक है जिसमें इंडिया एंड इकोनॉमी करके बुक है, वो वाली बुक पढ़ लीजिए, इतना आप कर लीजिए कम से कम ये, ठीक है। तो ये लास्ट की स्ट्रेटेजी है आपकी। और हिंदी के लिए जो 6 चीजें आती हैं उन सभी से रिलेटेड कम से कम 300-400 शब्द आपकी प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे मैं काफी सारी चीजें उसमें कुछ फ्री वाली पीडीएफ वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका नंबर जो है वो का है वो है 7838692618, और दिसंबर के एंड तक मैं वो पेड ग्रुप की पूरी पीडीएफ आपको प्लस वॉइस मैसेज प्लस अक्टूबर से जब से चालू हुआ तब से मिल जाएगी। देखिए एक चीज और है, मेरे पास कई सारे लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि उन्होंने कोई फलाना ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और उसमें 2000 रुपए ले लिए गए थे आरओ के लिए, ठीक है, आरओ के लिए उसमें 2000 रुपए ले लिए गए थे, लेकिन उसमें कुछ कराया नहीं गया है, और काफी सारे करीबन 2000 लोगों ने लिया था, वो 2000 लोगों के 2000 रुपए मतलब 40 लाख रुपए करीबन भैया जी ने ले लिए हैं। लेकिन भैया जी ने क्या किया कि अभी 2-3 महीने तक शायद कुछ उसमें दिया नहीं था, सिर्फ 3 वीडियो की लिंक दी गई हैं और कुछ पुराने वाले नोट्स। तो अब आरओ के मेरे पास देखिए लगातार मैसेज आ रहे हैं, मैं वो सब चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ, ना मैं किसी का ऐसे कोई नाम लूंगा, लेकिन आप लोग एक बात ये समझिए कि मैं देखिए मैं कोई ऐसा इंस्पेक्टर या फिर वो पुलिस तो हूँ नहीं कि मैं सबको सजा दे दूंगा। भैया देखिए आप ही का वो है, आप आपको अगर वो लोग आप इतनी जल्दी हैं कि आपको बेवकूफ़ ऐसे बनाया जा सकता है तो आप क्यों बने थे, आपने पैसे मुझसे थोड़े ना पूछ के दिए थे। लेकिन ये जरूर है एक चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग पेड ग्रुप चलाते हैं, देखिए पेड ग्रुप चलाइए बिल्कुल सही बात है क्योंकि यूट्यूब में नहीं सर्वाइव हो सकता है, बिल्कुल बात सही है, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप चला रहे हैं तो कम से कम अपने जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जस्टिस जरूर करिए, उनके साथ इन्वॉल्व होइए। मैं देखिए जो पेड ग्रुप चलाता हूँ मेरे पेड ग्रुप वाले अगर आप मेंबर से सही बात आप पूछेंगे, जो सही बात सीरियसली पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ मैं शुरू सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ, जो जो पीडीएफ मुझे मिलती है मैं उसको उनको देता हूँ पेड ग्रुप में, लगातार शेयर करता रहता हूँ कि आपको ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, और बल्कि महीने में 2 टेस्ट होते हैं, महीने का प्लान देता हूँ मैं पूरा एक एक दिन का कि आपको पर डे क्या पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड मैं टेस्ट बनाता हूँ खुद, वो टेस्ट मैं आपको यूट्यूब में भी अपलोड करता हूँ, तो वो सब चीज़ें हैं उसमें। और आप लोग किसी को भी मुझे भी इवन पैसे देने से पहले आप लोग थोड़ा बहुत पता जरूर करा करिए। और अब जो भैया जी पैसे ले चुके हैं उसका तो यही हो सकता है कि आप लोग अगर कुछ ऐसा मतलब कुछ खुद ही कर सकते हो, मैं देखिए मेरी तरफ से कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि भैया जी के जो है ना पालतू बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा तो भैया जी के पालतू आ जाएंगे और फिर मुझे ही काटने लगेंगे, तो इसीलिए ये आप ही लोग कर सकते हो जो भी करना है। लीगल एक्शन इन सब चीज़ों पे लिया जा सकता है अगर आपके साथ कोई चीट कर रहा है, और इन सब चीज़ों में मैं देखिए चीटर्स के साथ कभी भी नहीं दूंगा। अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है तो सीधी बात है उसको मटेरियल देना पड़ेगा, आपको गाइड करना पड़ेगा उसको, और आपको जो भी चीज़ें उसने कमिट की है वो करना पड़ेगा। इवन मैं भी जैसे मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं खुद वॉइस समरी दे दूँ, अगर मैं मान लो मेरे से वॉइस समरी नहीं, मैं इतना ऑक्यूपाइड हो जाता हूँ तो मैं कम से कम उसका पीडीएफ दे देता हूँ, उसका कुछ और मटेरियल रेफरेंस दे देता हूँ, बता देता हूँ लोगों को कि भैया ये पढ़ लो यार ये आना बहुत ज़रूरी है। मेरा देखिए मेरा मेन एम ये होता है कि अगर आपने पैसे दिए हैं तो कम से कम पेड वालों को स्पेशल सर्विसेज दी जाए, और मैं उनको प्रायोरिटी पे मैं मैसेज देता हूँ। मैं वैसे तो फ्री वालों को भी सर्व करता हूँ लेकिन उनको भी मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। प्लस मेरे पीडीएफ जो पेड ग्रुप में पीडीएफ सभी मिल जाएंगे आपको, और बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, एक बार ज्वाइन कर लेंगे आपको तो दिसंबर 2018 तक मिल जाएगी। बाकी सब फैसला आपके हाथ में है। यहाँ पे प्लीज़ कोई भी गाली गलौज मत करना, जितने भी लोग ऐसे पालतू वालतू हैं, मुझे देखिए मैं वैसे तो बहुत सीधा हूँ लेकिन मैं ऐसे किसी को ना छेड़ता हूँ ना, और मुझे अगर कोई छेड़े ना तो मैं छोड़ता भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरा जो फंडा है वो मैंने आपको बता दिया, मुझे काफ़ी तकलीफ हुई है जान के कि काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे मतलब मुझे, अगर मैं मैसेज आपको यहाँ पे दिखा दूँ ना तो लोग ऐसे ऐसे मैसेज किए हैं ना कि बेचारे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आरओ का एग्ज़ाम बताइए ख़राब हो गया उनका। अभी एग्ज़ाम अभी ख़राब नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लो। जो लोग भी ऐसे चीटर्स के द्वारा ठगे गए हैं उनके लिए हम लोग लास्ट में रिवीजन क्लास जरूर चलाएंगे, ताकि मेरे से जितना हो पाए आप लोग को मैं दे दूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।